गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर और पेंडुलम डाउजर। आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं शो में जिसका नाम है भविष्यफल सितारों सेल। दर्शकों, जिंदगी में तो परेशानियां आती जाती रहती है, लेकिन मायने ये रखता है कि दुख की घड़ी में आप किस प्रकार से दुख का मुकाबला करते हैं। और ऐसे में मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी इस शो के माध्यम से, क्योंकि मुझे काफी चीजों का ज्ञान है। इस क्रिस्टल बॉल पेंडुलम वाटर गेजिंग के साथ साथ मैं रेकी ग्रैंड मास्टर करती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और ऑरा क्लीनिंग करती हूँ, वास्तु फेंग शुई और न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान रखती हूँ। आप मेरे इस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं अभी इसी वक्त। जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, आपको सिर्फ मुझसे अपना सवाल पूछना है, क्योंकि मुझे किसी प्रकार से कोई भी बर्थ डिटेल्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मुझसे बात करने के लिए आपको सिर्फ करना होगा छोटा सा काम, अपने मोबाइल से डायरेक्टली आपको डायल करना होगा 5664466। दर्शकों, सिर्फ आपसे निवेदन है, आप होल्ड पे बने रहिएगा, यहाँ पे मैं सभी से बात करूंगी। जैसे आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो जाए, आपको सिर्फ मुझसे यहाँ पे सवाल पूछना है और आप होल्ड पे बने रहिएगा। सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, यहाँ पे मैं सभी से बात करूंगी। उसी के साथ मैं आज का पहला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हेलो मैम। हाँ जी, मैं अपनी सिस्टर के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जी पूछिए। वो काफी सालों से, मतलब 14-15 सालों से वो बहुत बीमार रहती हैं और उनका इतना इलाज करा रहे हैं दिल्ली से भी, और काफी इलाज करा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो वो कब तक ठीक होंगी और उनकी शादी कब तक होगी? जी जी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। देखिए, इनकी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार आएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे धैर्य रखना होगा। हालांकि सेहत में जरूर सुधार आएगा, लेकिन काफी वक्त लग जाएगा। मैं आपको बता दूं, कम से कम 8 से 9 महीने का वक्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा उनकी जो ऊर्जा है वो भी काफी हानिकारक हो चुकी है। देखिये, जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये उपाय करने से वाकई में फर्क आ जाएगा, उसको कामना करते हुए उपाय कीजिएगा। आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है। ये फिटकरी इनके ऊपर आप 7 बार घुमा लीजिएगा और इसको अग्नि में आप जला दीजिएगा। ऐसा हर शनिवार को किसी भी समय आपको ये करना है, लेकिन हर शनिवार को ये उपाय करना है। ये करने से वाकई में फर्क आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। उसी के साथ में अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं लड़की से बहुत प्यार करती हूँ मैम, पर मेरे घर वालों ने ये रिश्ता मना नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ? और रिश्ता आप जिनके साथ विवाह करना चाहते हो उनके साथ विवाह नहीं कराना चाहते? जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। आप बिल्कुल डरिए मत, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। आपने बहुत सही जगह पे कॉल किया है। देखिए, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़का मुझे बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रहा, हालांकि कुछ नेचर यहाँ पे जो है वो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं, से घबराने वाली बात नहीं, थोड़ा सा नेचर में बस मुझे यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है। लेकिन आप बहुत अच्छे से उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आपके माता पिता और घर वालों को धीरे धीरे बैठ के जरूर समझाएं, वो जरूर आपकी बात मानेंगे। मैं आपको उपाय भी बता देती हूँ, ये उपाय विश्वास के साथ कीजिएगा, देखिए जरूर इसका फर्क आपको नजर आएगा। देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे उपाय करना है। आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आटा ले लीजिएगा और चीनी ले लीजिएगा और चींटियों को आप शुक्रवार वाले दिन खिलाना शुरू कर दे पीपल के वृक्ष के आगे। पहला तो आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, उबले हुए आलू लेने हैं, उनको मैश करना है, उसके अंदर हल्दी डालना है और उसका लड्डू बना देना है। अभी लड्डू बना के आप गाय को जाके ये भी शुक्रवार वाले दिन खिला दीजिए। 7 शुक्रवार कंटिन्यू आप एक कामना करते हुए कीजिएगा। और आप बिल्कुल डरिए मत, आप बिल्कुल रोइए मत, मैं पूरा आपका साथ दूंगी। अगर कोई भी तकलीफ अगर आपको उसके बाद भी लग रही है, तो आप शो के बाद भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेके भी बात कर सकते हैं, या आप शो के दौरान भी मुझसे बात करते हैं कर सकते हैं। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं पूरा आपका साथ दूंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अभी यहाँ पे आपके समक्ष हूँ, आपके साथ हूँ। आप मुझसे डायरेक्टली अभी इसी वक्त यहाँ पे बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए आपको सिर्फ करना होगा छोटा सा काम, उठाना होगा अपना मोबाइल फोन और डायरेक्टली आपको डायल करना होगा 5
6-6-4-4-6-6। देश के किसी भी कोने में क्यों नहीं हो, आपको किसी प्रकार से कोई एसटीडी कोड लगाने की जरूरत नहीं है। दर्शकों याद रखिए, ये नंबर आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है, लेकिन जब तक आप पहल नहीं करेंगे, मुझसे यहाँ पे सवाल नहीं पूछेंगे, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आप सिर्फ मुझे देखिए मत, सिर्फ सुनिए मत, मुझसे बात भी कीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पे मुझसे अपना सवाल पूछना और मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी। मुझे किसी प्रकार से कोई भी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका सवाल, क्योंकि क्रिस्टल बॉल, पेंडुलम, वाटर गेजिंग के साथ साथ मुझे और काफी चीजों का भी ज्ञान है, जैसे कि रेकी, ऑरा क्लीनिंग, वास्तु, फेंग शुई और न्यूमरोलॉजी। आप मेरे इस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं अभी इसी वक्त। उसी के साथ में अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, हमारे यहाँ अभी हमारे ऊपर थोड़ा केस चल रहा है, टैक्स का। जी जी जी, 5-6 साल हो गए, वो खत्म नहीं हो रहा है। जी मैं बता देती हूँ, देखिए जो कोर्ट केस है आपके केस में, आपके केस में थोड़ा सा मुझे ये वीक दिखाई दे रहा है, कि कहीं ना कहीं गलती आप लोग की भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, लेकिन हकीकत यही है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे उपाय बता देती हूँ, ये उपाय करने से धीरे धीरे जो कोर्ट केस है वो आपके फेवर में होने लग जाएगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ऑलमोस्ट 1 साल और चला जाएगा, 12 से 13 महीने और मुझे यहाँ पे समय दिखाई दे रहा है। आप क्या कीजिएगा, एक नींबू ले लीजिएगा, जो बेदाग जो नींबू होता है ना वो आप ले लीजिएगा, अपने पूजा स्थान पर उनको रखिएगा, नींबू को उनके आगे कामना कीजिएगा, कामना करने के बाद वो नींबू अपने साथ आपको लेके जाना है, जब भी आपके कोर्ट केस की सुनवाई में जाएं, और हर 8 दिन में आपको ये नींबू चेंज भी करना है, जो पुराना नींबू आपको कहीं पे बाहर फेंक देना है, ये करने से धीरे धीरे फर्क आ सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। उसी के साथ मिलती हूँ अगला कॉल। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा बोल रही हूँ। हेलो। हेलो जी, सवाल पूछिए। इंदु जी, जी बोलिए। जो आपका भी प्रोग्राम चल रहा है वो ऑनलाइन नहीं है? जी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, सवाल पूछिए। ओके ओके जी बोलिए। अच्छा अच्छा, यह कशिश। ओके, तो उसका मन ना पढ़ाई में लगता नहीं है, उल्टा काम करता रहता है वो। बच्चे की उम्र क्या है आपकी? बच्चे की उम्र 10 साल है। जी मैं देख लेती हूँ। आपका बच्चा बहुत ही नटखट है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मैं समझ भी पा रही हूँ, बहुत ज्यादा नटखट है, बहुत वो पूरा अपनी मम्मा को पूरे घर में घुमाता भी है, और वो एक जगह पे जब बैठता है तो वो शांति से नहीं बैठ पाता, कंटिन्यू उसके पैर के भी मूवमेंट हिलते रहते हैं, इस प्रकार से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो वक्त के साथ धीरे धीरे अपने वो पढ़ाई में जरूर ध्यान देगा। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ आप उपाय कीजिएगा। देखिए कोशिश करके अपने बेटे से कहिएगा कि वो ये उपाय करेगा, वो नहीं कर पाए तो आप ये कीजिएगा। एक मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ, ओम क्रीं क्रीं क्रीं, मैं रिपीट करती हूँ, ओम क्रीं क्रीं क्रीं। ये मंत्र आपको 108 की जो एक माला होती है, वो एक माला रोज आपको ये करनी है, या अपने बेटे से कोशिश करें कि वो एक बार ये करे, इससे जरूर फर्क आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। याद रखे जो भी आपको बात करनी है मुझे शो के बाद, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, आधे घंटे का या 10 मिनट का अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, जो भी आपकी बातें वो मुझ तक ही गोपनीय रहेंगी। तो आप जिंदगी में बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इंदु आहूजा हमेशा आपका साथ देगी, सिर्फ आपको यहाँ पे मुझसे सवाल पूछना है। कल इसी चैनल पे, इसी शो पे कल सुबह में 9 बजे फिर से आपके सामने आऊंगी, तब तक आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, खाइए पे एकदम से मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। नमस्कार। भविष्य फल सितारों से हल, एक ऐसी आसान सर्विस है जहां आप अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अपने वर्तमान की समस्याओं और भविष्य के सवालों का निवारण पा सकते हैं। तो सोचिए मत, उठाइए अपना मोबाइल फोन और डायल कीजिए 5664466 अभी इसी वक्त। याद रखिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। कॉल 5664466 नाउ।